जय श्री महाकाल हरिहर। नेवर फोर्स एंड नेवर कंट्रोल एनीबॉडी एंड एनीथिंग, जस्ट बी ओनली नेचुरल कन्विंस। कभी भी फोर्सफुली और कंट्रोलफुली, मतलब किसी को भी दबाव नहीं करना है और न ही नियंत्रण करना है, ठीक है। बाहरी तौर से वहां पे अशांति रहेगी रहेगी। हम किसी को इंस्ट्रक्शन देते हैं, किसी को ऑर्डर देते हैं, किसी को बोलते हैं अपनों या परायों को, फोर्सफुली आप बोलोगे तो वो नौकर के जैसे ही होगा ट्रीट, ठीक है। तो नौकर कोई बनना नहीं चाहता, ये बात तय है, ठीक है। पर बनाना क्यों चाह रहा है? शोषण कोई चाहता नहीं है, पर शोषण करता है फोर्स करके, कंट्रोल करके। बॉस, ऊपर का बॉस नीचे वाले स्टाफ को ऑर्डर देता है फोर्सफुली, इसलिए पूरा नीचे के स्टाफ क्या रहता है, कंफ्यूजन में रहता है। जब तक बाहरी फोर्स और कंट्रोल रहेगा तब तक वहां संकोच रहेगा ही रहेगा, वहां पे कंफ्यूजन रहेगा ही रहेगा, वहां डाउट रहेगा ही रहेगा, वहां क्वेरीज रहेगी ही रहेगी और वहां पे समस्या होगी ही होगी। तो कैसे हो रहा है ये मानो, जब बुद्धि में, यदि बुद्धि को एक्सेप्ट नहीं होता, ठीक है, इंटेलिजेंस को एक्सेप्ट नहीं होता, सहमति नहीं बनेगी, एग्रीमेंट ही नहीं होगा, तो नेचुरल कन्विंस कब होगा? जब नेचुरल एग्रीमेंट कब होगा? वो तभी होगा जब स्वयं से व्यक्ति भीतर जब जाएगा, डीपली, कॉन्सेंट्रेटली, अटेंटली, तब वो बात एक्सेप्ट होती है, ठहराव होने देगा। जब तक मन रुकेगा नहीं, भागता रहेगा, तो वो सुन ही नहीं पाएगा और वो सिर्फ एक्सेप्ट करेगा तो वो अधूरे में ही रहेगा। इसलिए किसी को भी, जब तक ज्ञान तभी एक्सेप्ट हो पाएगा जब सुनने वाला भी का मन बैठ जाए, नहीं तो सुन नहीं पाएगा, वो देख ही नहीं पाएगा, समझ ही नहीं पाएगा, सीख ही नहीं पाएगा, उसको लगेगा ही नहीं। बाहर से बस बोलना हो जाएगा फोर्सफुली और वो कुछ नहीं समझेगा, और यही हो रहा पूरी मानव जाति का, ठीक है। आधे अधूरे में कार्यक्रम हो रहा है, सुन, बैठ के सुन नहीं पा रहा हो। जब तक आप बैठ के ध्यान पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक, धैर्यता पूर्वक नहीं होगी, जब तक मानव में धैर्यता नहीं होगी, पेशेंस नहीं होगा, ठीक है, अटेंशन नहीं होगा, एकाग्रता नहीं रहेगी, तो कहां से होगा मानव जाति का, क्या सुन पाएगा, कैसे कन्विंस होगा? तो जब तक एकाग्रता आने के बाद ही, धैर्यता आने के बाद ही, पेशेंस आने के बाद ही मानव कन्विंस होगा प्रॉपरली, परमानेंटली, फिर पलटेगा नहीं, ठीक है। जब भी कोई आत्मा से तृप्त होता है, तृप्त होने के बाद ही नेचुरली कन्विंस होता है, जब तक आत्मा से तृप्त नहीं हुआ तो एक्सेप्ट ही नहीं हो सकता। मतलब जब तक परमानेंट बोध नहीं होगा ना, फील नहीं हुआ, मानो को फील ही नहीं हो रहा है ना, और फील नहीं होगा, बोध नहीं होगा, तब तक नेचुरल एग्रीमेंट हो ही नहीं सकता, कन्विंस हो ही नहीं सकता। तो इसलिए पहले फील होना होगा, ठीक है, और फील होने के लिए मानव को अर्थ पकड़ना पड़ेगा, ठीक है।
अर्थ को जानने के लिए थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, तब बोध होता है, तब फील होता है, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन में उतरना पड़ेगा। तो समझ आ रही बात? तो इसलिए कभी भी फोर्स मत करिए, ना बच्चों को, ना ही बुजुर्गों को, बड़ों को कोई बात पे, ठीक है, ना भाई बहन को, ना पति पत्नी एक दूसरे को, ठीक है, ना ही दोस्तों को, किसी चीज़ को फोर्स कंट्रोल करना ही नहीं है। फिर देखिए कितना शांति बनेगी आपके अंदर। किसी को किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करना, कैसा क्यों पहन लिया, ऐसा क्यों कर लिया, ऐसा क्यों कर रहे हो, इधर क्यों कर रहे हो, वैसा क्यों कर रहे हो, मतलब किसी, है ना, रस्सी मत पकड़ो कुत्ते की तरह, ठीक है, कि मेरे हिसाब से चल, है ना, आदमी नौकर बना रहा है जी, कि मेरे हिसाब से चल तू। कभी ध्यान से सोचो, दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ। जब आप कभी ड्राइविंग करते हो, ड्राइविंग करते हुए जब भी आप गाड़ी से ड्राइविंग कर रहे हो, इतनी सारी गाड़ी चलती है आजू बाजू, तो कितने लोग की ड्राइविंग आप हैंडल करते हो, हैं? अच्छा, परिवार के लोग ही तीन चार गाड़ी एक साथ जा रही है, कि 10 बार उसको फोन करके बोलते हो कि ऐसे चला, वैसे चला, ऐसे कर, ऐसे कर, अब बोलेगा तो क्या होगा, उसका चला पाएगा वो गाड़ी? हर मानव को स्वयं के अंदर बुद्धि दी हुई है, ठीक है। तो अब ये बात क्लैरिटी आ जाए, ड्राइविंग व्यक्ति जब भाग रहा हो ना, तब आप नहीं समझा सकते, ठहर के समझाओ, ठीक है, रुक के ही समझेगा कोई भी, ठीक है, समझ में आ रही बात? तो मानव नेचुरली सुनना चाहिए, तब वो एक्सेप्ट होता है, नेचुरली देखना चाहिए, ठीक है। इसलिए नेवर फोर्स एंड नेवर कंट्रोल, न फोर्स करना है, न होने देना है, न सप्रेस होना है, न करना है, ये बात ध्यान रखेंगे। किसी को करना भी नहीं है फोर्स, और किसी से होना भी नहीं है फोर्स, है ना, नहीं तो गुलामी बन जाओगे, जो जैसा बोल रहे वैसे ही करते रह रहे, तो गुलामी जा रही ना, अभी भी कौन सी गुलामी चलेगी, स्वतंत्रता आई नहीं मानो की। तो स्वतंत्र पहले स्वयं को करें, फिर समग्रता में करें, क्या दिक्कत है, ठीक है। और उसके पूरे स्टेप्स हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप है, जानना होगा उसको, उसको सीखने आना पड़ता है, समझने आना पड़ता है, तब वो कार्यक्रम होता है। तो इसलिए ये बात तय है, शांति बनी ही रहेगी, बस इतना ध्यान रखिए, नेवर फोर्स एंड नेवर कंट्रोल एनीबडी एनीथिंग, जस्ट वेट फॉर दैट, ऑटोमेटिकली पीपल गेट कन्विंस्ड। पर अभी धैर्यता चाहिए, उसके लिए एकाग्रता चाहिए। पहले अपने आप को जितना पवित्र करेंगे, अपने आचरण में, अपने चरित्र में, अपने वचन में, अपनी भाषा में, उतना फिर आप में बदलाव होगा। बदलाव होने के बाद मानो अपने आप कन्विंस होता है, मानो अपने आप कन्वर्जन में आता है, ठीक है, कन्वर्ट होगा ही होगा, पर पहले अपन अपने आप में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, कोई हो ना हो, पर पहले स्वयं हो जाए, पहले कन्वर्ट, हम में क्या परिवर्तन हुआ, हम में क्या रूपांतरण हुआ, पहले ये हो जाए, ठीक है, फिर मानो एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो इसलिए प्राकृतिक तौर से ही, आंतरिक तौर से ही सहमति बनेगी और सहयोगिता होगी, फिर सहमिता हो, सहमति होने के बाद ही सहयोगिता होती है नेचुरली, और नेचुरली होना चाहिए, फोर्सफुली सहयोगिता नहीं होती, कि मेरे लिए काम कर, तो मेरे हिसाब से चल, मेरे ऐसे हिसाब से कर,
ऐसा नहीं होगा, ना बच्चों को होगा, ना बाप बाप को होगा, ना पति पत्नी को होगा, ना भाई बहन को होगा, ना दोस्त को होगा। ठीक है, इसलिए हर मानव स्वतंत्रता चाहता है, स्वतंत्र पूर्वक जीना चाहता है, समझना चाहता है और समझाना चाहता है। ठीक है, इसलिए जितना हो सकता है अब सहयोगिता में कार्यक्रम हो और धैर्यता का कार्यक्रम रखें। धैर्यता बनाए रखें, बस जीवन में एकाग्रता बनाए रखें, अपने आप वो घटित होना चालू हो जाएगा, कन्विंस होना चालू हो जाएगा, हो के ही रहेगा, पर पहले अपने आप को एकाग्र करना होगा, धैर्यता लानी होगी। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।